हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे कमोडिटीज़ की अपडेट्स। आज है 20 तारीख, अभी बज रहे हैं 5:15। आज की रणनीति के ऊपर बातचीत करने से पहले हमने कल क्या रणनीति बनाई थी, कल कहां एग्जीक्यूशन हो पाया, कल क्या लेवल्स लिए थे, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर ले, फिर आज की बात करते हैं। कल क्रूड में कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था, कल एग्जीक्यूशन करने मना किया था। नेचुरल गैस को आपको 140.20 रुपये से 142 रुपये तक बेचने कहा था और नीचे 135.10 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था 136.50 के आसपास इसका मुनाफा ले लो, और कल कमाया होगा 9,500 रुपये। परसों कमाया था 9,000 रुपये, कल भी कमा लिया 9,000 रुपये। एक ही काम करो लेकिन तगड़ा काम करो, 9,000 रुपये अगर एक दिन में कमा रहे हो आप 1,00,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में, तो 10 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में 1,00,000 रुपये हो जाता है। तो और क्या चाहिए इससे बेटर? ऐसा नहीं कि रोज़ 9,000 रुपये आएगा, 10,000 रुपये आएगा, कभी 500 आया, कभी 1,000 आया, कभी 2,000 आया, कभी 4,000 रुपये आया, कभी 10,000 आया, कभी 25,000 रुपये भी आया हुआ है। तो नेचुरल गैस में एग्जीक्यूशन हुआ था लॉकडाउन पीरियड में, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर यूट्यूब देखना है, ट्रेड एप्लीकेशन खोलनी है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन, सौदा एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है और भूल जाना है, मंथ एंड पे हिसाब करना है पूरा, दूध का दूध पानी का पानी की क्या हुआ एक्चुअली जो बताया था कल। बाकी गोल्ड का आप लोगों को बाय करने कहा था 450 के आसपास, 550 के आसपास, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और टारगेट आज सारे अचीव हो गए हैं। 47,350 तक के टारगेट दिए थे कल, 47,350, और आज का हाई है 354। इसको कहते हैं लेवल्स के कमाल। कल ही आप लोगों को टारगेट दे दिया था 350 का। दूसरा सिल्वर को बाय करने बोला था 46,600-700 की रेंज में, ये आई थी कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप लोग उस डाउट को क्लियर करिएगा, बताइएगा कि आई थी कि नहीं, क्योंकि टारगेट इसके सारे अचीव हो चुके हैं। 48,450 तक के टारगेट दिए थे, इसकी मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली है। कॉपर भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, 409.50 के आसपास बाय करने बोला था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज के लिए क्या रणनीति निकल के आ रही है। क्रूड ऑयल, क्रूड हाई पोस्ट किया 2505 का, लो पोस्ट किया 2414 का। डॉलर टर्म्स में भी बताता हूँ आप लोगों को, स्पॉट क्रूड अभी चल रहा है 3270 यानी कि देखिए -$40 हो गया था और अभी ये $33 पकड़ लो आप, उधर का 40 और इधर का 32, $72 की रिकवरी आ गई। एक समय ऐसा आया कि माल रखने के लिए जगह नहीं थी क्रूड ऑयल, अब उसकी डिमांड बढ़ गई, यानी कि पूरा टर्न हो गया, टर्न आउट हो गया चीज़ें, यानी ये सटोरी लोग किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट किसी के बाप का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है मार्केट में कि जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस कभी कोई चीज़ सस्ता समझ के खरीदो मत और महंगा समझ के बेचो मत, ट्रेंड को फॉलो करो, लेवल्स को फॉलो करो, प्रॉफिट बुक करते चलो और स्पेकुलेशन मत करो, लीवरेज इस्तेमाल मत करो, रहोगे कायदे में तो होगा फ़ायदा, नहीं तो 100 बार कमाओगे और एक बार ऐसा 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 घुसाओगे कि सोच भी नहीं सकते, जो कमाया वो भी जाएगा और घर से भी जाएगा, यही होता है। इसलिए रूल्स फॉलो करो, चाहे दुनिया की इधर की उधर हो जाए, बाकी रूल्स फॉलो करने के बाद अगर कोई स्टॉप लॉस या लॉस होता है तो आप लोग अपनी आपको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अदर वे में आप लोगों को हमेशा अंदर से इनर कॉन्शियस ही आप लोगों को बोलता रहेगा कि यार मेरी ही गलती थी। जमाने को बोलते रहोगे ये बाजार अच्छा नहीं होता, लेकिन अंदर से खुद को पता रहता है कि मेरी गलती थी, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताइएगा। यार अपनी गलती मानना भी एक हुनर होता है। दूसरा, क्रूड के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं? क्रूड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं अभी 2490 चल रहा है, क्रूड के सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 2430, 2390 और 2355। अब मुझे लगता है ये जो आज का लो है वो अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत टूट जाएगा क्रूड, यानी बहुत टूट जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि पुराने दिन वापस आ जाएंगे, वो दिन तो भूल जाइए, 1500-1600 के नीचे अब मुझे नहीं लगता कि कभी आप लोगों को देखने मिलेंगे ये भाव। तो 1434 मेरे हिसाब से 2430 अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है एक बार आप लोगों को
2280 2130 तक के भाव देखने को मिले हैं। रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं 2509 2545 और 2610 2610 का ओवरऑल तेज नहीं लगता है। करना क्या है 2390 के नीचे जाए तो सेल करेंगे, 2431 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 2280 2130 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। इसको अपनी मैं परफॉर्मेंस शीट में लूँगा। ध्यान रखिएगा 2390 के नीचे बेचेंगे, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, महंगा खरीद लेंगे चलेगा, लेकिन कोई भी रेट को बाय सेल नहीं करेंगे। दूसरा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस अभी चल रही है 139.20। नेचुरल गैस का जो हाई पोस्ट हुआ है 139.50 का, 137.10 का इसका लो पोस्ट हुआ है। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 136.40 134.80 132.60। रजिस्टर निकल के आ रहे हैं 139.50 जो अभी 139.50 लग चुका है, 140.20 141.60। करना क्या है 141-142 के आसपास मिले तो सेल करिए, 145.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं। गोल्ड, गोल्ड अभी चल रहा है 47,151। गोल्ड का हाई पोस्ट हुआ है 47,354, लो पोस्ट हुआ है 46,800। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 47,100 46,980 46,600। रजिस्टर निकल के आ रहे हैं 47,600 47,770 48,080। कर क्या सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आज हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो सकता है बाजार और कल लोएस्ट लेवल में बाजार ओपन हो सकता है, तो एसटीबीटी करके जाएंगे तो हो सकता है मुनाफा। 47,600-800 के आसपास मिले तो सेल करिए, 48,101 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं। नहीं होगा काम चलेगा, घर में पैसा सेफ पड़ा हुआ है, कूद कूद के बाय सेल मत करिए। अभी 11:30 बजे की बात है, गोल्ड चल रहा था 47,150, एक मिनट के अंदर अंदर 46,800 का लो लगाया और वापस 47,850 हो गया, तो बॉस पिटोगे ऐसे में। सिल्वर, सिल्वर अभी चल रही है 48,810, सिल्वर का लो पोस्ट हुआ 48,441, हाई पोस्ट हुआ है 49,499। सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 48,300 46,850 फिर सीधा और 46,200 के नीचे अगर अब सिल्वर जाती है तो मंदी होगी, नहीं तो मंदी की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और गोल्ड जब तक 46,750 के ऊपर है तब तक टेंशन की कोई बात नहीं है, तब तक नीचे आके हो सकता है पुल बैक देता रहे। रजिस्टर नजर आ रहे हैं सिल्वर को 50,250 51,460, मेरी तरफ से कोई रणनीति नहीं है, 2,500 तो ऐसे ऐसे चल जाएगा और आप लोगों का पूरा स्टॉप लॉस बजा देगा, मेरी परफॉर्मेंस शीट खराब कर देगा, आपका पैसों का नुकसान कर देगा, तो हायर लेवल पे सेल कर सकते हैं इसको। कॉपर, कॉपर अभी चल रही है 412.20 41,280 का हाई पोस्ट की है, अभी चल रही है 412.20, लो पोस्ट की 410.40 का। इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 409.80 40,870 40,750। रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 41,480 41,790 41,950। सेल कर सकते हैं 417 और 418 के आसपास, 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताए हैं। कॉपर की एंट्री लूंगा मैं, सिल्वर की कोई एंट्री नहीं लूंगा मैं, गोल्ड की एंट्री लूंगा मैं, नेचुरल गैस की एंट्री लूंगा मैं, और अगर क्रूड हमारे लेवल को ब्रेक कर जाता है तो उसकी एंट्री लूंगा मैं। तो ये थी हमारी कमोडिटीज़ की अपडेट, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। यूट्यूब का बेस्ट पार्ट है, कल जो बोला था आज 9,500 का प्रॉफिट दिलाया हूं, उसकी बात कर रहा हूं, तो कल का वीडियो देख के जान सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो दिलाया कि नहीं दिलाया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी सोशल मीडिया की लिंक दी हुई है, आप चाहें तो सब जगह क्लिक करके अपना अकाउंट सब जगह हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ही एक अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी होती है, जिसको क्लिक करके आप चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक का फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसको भर के हमें भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेवाओं में और सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।